Hello students, welcome to daily AIAPGET practice questions organized by APTA Ayurveda Classes. Daily you are given a target of 10 questions and the time limit provided to you is 15 minutes. Now I will let you know how you can solve the test. First, download the APTA Ayurveda Classes app from Google Play Store. After that, complete the process of signing up. Once you have signed up, you can start up. Once you have signed up, you have to enroll to daily live test course, and after that you can start appearing for the test. Once you are done with solving all the 10 questions, you can check the right answers with us on our YouTube channel, that is APTA Ayurveda Classes. So now let us begin with today's set of 10 questions. Question number 1. As per Gazetted Notification 2016, shelf life of Haridra Khand is option A 1 year, B 2 years, C 3 years and D is 5 years. ठीक है, this is an important question. याद रखो, इसका जो आंसर है, इसका राइट आंसर दिया गया है ऑप्शन B 2 years. ठीक है, नोट करके रखो इसको. आते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस. हरिद्रा खंड की जो शेल्फ लाइफ बताई गई है वो 2 साल की बताई गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. आइडेंटिफाई द इमेज गिवन बिलो. अब देखिए हमारे AIPGET में क्या कहते हैं, एक नया सिस्टम शुरू हुआ है जिसमें इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आने भी स्टार्ट हुए हैं. तो वो द्रव्य गुण में ड्रग्स के फॉर्म में रह सकते हैं, शल्य तंत्र में यंत्र शस्त्र के इमेज दे देंगे, बंध का इमेज दे देंगे आपको. तो आपको उसकी हैबिट होनी चाहिए सॉल्व करने की, ताकि आपको कुछ एग्जाम डे पर नया नहीं लगे. ठीक है, मीन्स यू आर यूज टू सॉल्विंग ऑल दोज क्वेश्चंस. तो यहाँ देखो जो इमेज है, पहले 4 ऑप्शंस देख लेते हैं. ऑप्शन ए भूमियामल की, बी कूट की, सी भारंगी एंड डी इज कदम्ब. ठीक है, तो मेरे को लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका राइट आंसर गेस कर लिया होगा. दिस इज कूट की. सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट. इसका नाम क्या है? लैटिन नेम पाइकोराइजा कूरिया. ठीक है, ये ध्यान में रखो, इम्पोर्टेंट है. कटुका भी कहा जाता है इसको, तो जिन्हें नहीं पता है वो नोट करके रखो, कूटकी या फिर कटुका. फैमिली क्या है? स्क्रूफुलेरेसिएसी. ठीक है, और इसके बारे में और क्या क्या चीजें, इसके जो साइनोनिम्स है, इसके जो पर्यायी हैं, वो कटवी भी कहा जाता है इसे, कृष्ण भेदा भी कहा जाता है, मत्स्य शकला. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये नोट करके रखो, इस पे क्वेश्चंस आते हैं. मत्स्य शकला या फिर चक्रांगी. ठीक है, ये ध्यान में रखो. कांडरूहा, ये भी कहा जाता है इसे. और ये जो इसके जो क्या बोलते हैं बेनिफिट्स है, चरक ने भेदनीय कहा है, लेखनीय कहा है, स्तन्य शोधन भी कहा है. तो ये भी और इम्पोर्टेंट चीजें जो आप नोट कर सकते हो. ठीक है, सो दिस वाज अबाउट कुटकी और कटुका. सो सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर इज बी. क्वेश्चन नंबर 3. नीचे 2 कथन दिए गए हैं. कथन 1 में क्या है देखो, चरक अनुसार दाक्ष परिचारक का गुण है. कथन 2 में चरक अनुसार दाक्ष वैद्य का गुण है. ठीक है, अब देखो यहाँ पर पहला जो कथन है ये बिल्कुल सही है. दाक्ष परिचारक यानी जो अटेंडेंट है उसका गुण बताया गया है. और दूसरा जो स्टेटमेंट है ये भी सही है. दाक्ष दोनों का गुण है चरक के अनुसार. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, नोट करके रखो. ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा? कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करके रखो इसको. रेफरेंस मिलेगा आपको चरक सूत्र 9वां अध्याय, श्लोक नंबर इज 6 और 8. ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये. दाक्ष परिचारक वैद्य दोनों के बारे में कहा गया है. क्वेश्चन नंबर 4. पुनः रमते शब्द में प्रयुक्त संधि है. संस्कृत का ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है. संस्कृत के भी क्वेश्चंस आते हैं AIPGET में. तो संधि हो गया, माहेश्वर सूत्र हो गया और समास हो गया. एटलीस्ट ये 3 टॉपिक्स तो आपके अच्छे होने चाहिए. इसमें इसके अलावा लकार पे भी क्वेश्चंस आते हैं. तो यहाँ संधि के ऊपर क्वेश्चन आया है. ऑप्शंस देख लो. ए अनुनासिक संधि, बी दीर्घ संधि, सी पूर्वरूप संधि एंड डी विसर्ग संधि. तो ये पुनः रमते ये शब्द विसर्ग संधि में प्रयुक्त होता है, ये ध्यान में रखो। ठीक है, जब आपको संधि प्रकरण पढ़ाया जाएगा हमारे आपता आयुर्वेद क्लासेस में, तब आपके पूरा एक प्रकार से जितने भी डाउट्स है रिगार्डिंग संधि समास वो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो अभी के लिए इसका आंसर है ऑप्शन डी, विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। परिशिष्ट अध्याय कौन से संहिता में वर्णित है? क्वेश्चन इजी भी है, इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, ए हरित संहिता, बी काश्यप संहिता, सी सुश्रुत संहिता एंड डी भेल संहिता। तो मुझे लगता है बहुत लोगों ने इसका आंसर ऑलरेडी गेस कर लिया होगा। इट इज ए, हारित संहिता में परिशिष्ट अध्याय बताया गया है। इंपॉर्टेंट, नोट करके रखो जिन्हें नहीं पता होगा। क्वेश्चन नंबर 6, चरक अनुसार सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कर सही विकल्प का चयन करें। सूची 1 में सारे स्रोतस दिए गए हैं, सूची 2 में उनके मूल स्थान बताए हैं। किसके अकॉर्डिंग? देखो ऐसे क्वेश्चन में कभी भी स्टार्टिंग से पढ़ना क्वेश्चन। यहाँ पे क्लियर कट हमने चरक पे फोकस किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी स्रोतस के मूल स्थान बताए गए हैं वो सिर्फ चरक के अनुसार ही हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं। अभी हम सबसे पहले जो है मास वह स्रोतस, मेद वह, अस्थि वह, मज्जा वह, ये 4 स्रोतस दिए गए हैं। अब हमें उनके मूल स्थान देखने हैं। चलो एक एक करके देखते हैं। मास वह स्रोतस का मूल स्थान क्या है चारों में से? चलो बताओ। अस्थि संधि है क्या? नहीं है। वृक्क एवं वपावहन है क्या? बिल्कुल नहीं है। स्नायु एवं त्वक, वेरी इंपॉर्टेंट, ये है। तो ए क्या 3 के आगे हम ए लिख लेंगे। ठीक है, चलो अब मेद वह स्रोतस का बताओ। अस्थि और संधि है क्या? नहीं है। वृक्क और वपावहन है क्या? यस है। तो 2 के आगे बी लिख लो। अस्थि वह का आ जाओ। अस्थि वह के बारे में क्या कहा गया है? अस्थि और संधि है क्या? नहीं है। मेद और जगन है क्या? हाँ है। तो 4 के आगे सी लिख लो। और मज्जा वह का अस्थि संधि ही बचा, तो यहाँ पे डी लिख लेंगे हम। ठीक है, तो क्या आंसर है अपना? अपना आंसर है A3, B2, C4 एंड D1। ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर नोट करके रखो, आपको जितने भी स्रोतस बताए गए हैं सबके मूल स्थान चरक के अनुसार, सुश्रुत के अनुसार, दोनों आचार्यों के अनुसार पता होने चाहिए। रेफरेंस दिया है चरक विमान 5वें अध्याय में, स्रोतो विमान अध्याय। इस अध्याय में सारे स्रोतस, उनके मूल स्थान, दृष्टि हेतु, दृष्टि लक्षण दिए गए हैं। अध्याय इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, उन्मत्त लीलाकृति अप्रशांत माधव निदान के अनुसार कौन से मदात्य के कौन से अवस्था का लक्षण है? ठीक है, यहाँ ध्यान में रखो, जो मदात्य की 4 अवस्थाएं बताई है माधव निदान में, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, तो उसमें से एक ये लक्षण भी बताया गया है। तो पहले ऑप्शंस देख लो। ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। इसका मीनिंग क्या होता है? उन्मत्त लीलाकृति अप्रशांत मीन्स व्यक्ति जो है वो उन्मत्त यानी उन्माद यानी पागल हो जाता है। ठीक है, पागलों जैसी हरकतें करता है। और अप्रशांत यानी निरंतर बोलते रहता है, अशांत, एकदम कहीं एक जगह पर स्टेबल नहीं बैठा रहता, कुछ ना कुछ प्रलाप यानी अंटसंट बड़बड़ करते रहता है। तो ये जो लक्षण है ये द्वितीय अवस्था का बताया है मदात्य की, तो ये ध्यान में रखो, इम्पोर्टेंट है। रेफरेंस आपको मिलेगा माधव निदान पानात्य अध्याय श्लोक क्रमांक 8 में। ठीक है, नोट करके रखिए, ये इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर इज सेकेंड, द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 8, dusky hue of vestibule and anterior vaginal wall is seen in option A Osiander sign, B Hegar sign, C is Palmer sign and D option is Jacquemire sign। ठीक है, अगेन क्वेश्चंस जैसे मैं आपको हर बार बताता हूँ, कुछ कुछ क्वेश्चंस जो है वो ऐसे हैं जो अपने को ध्यान में रखने चाहिए एज इट इज। तो पहले हर एक साइन के बारे में देख लेते हैं। ओसिएंडर साइन के बारे में कहा गया है कि वहां पर एक प्रकार से पल्सेशंस मिलता है एट लेटरल फोर्निक्स, और जो वजाइनल वॉल रहता है वो ब्लू रहता है, ब्लू एंटीरियर वजाइनल वॉल। हेगर साइन के बारे में क्या है? अपर यूटेरस जो रहता है वो लार्ज रहता है, लोअर यूटेरस स्मॉल रहता है, और सर्विक्स कैसा रहता है? फर्म रहता है इसमें। पाल्मर साइन कैसा है? पाल्मर साइन के बारे में कहा गया है कि रेगुलर और रिदमिक यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन होता है। और जो हमारा क्वेश्चन है डस्की ह्यू ऑफ वेस्टिबुलर एंटीरियर वजाइनल वॉल ये जैक्नियल साइन में मिलता है। ठीक है, तो जिन्हें नहीं पता है ये नोट करके रखो, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर। कहीं कहीं पर इसको कैडविक साइन भी कहा या चैडविक साइन भी कहा गया, जैसे भी आप प्रोनाउंस करना चाहें इसको कैडविक साइन बोलेंगे। ठीक है, तो ये नोट करके रखिए, और ये जनरली फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब कौन से वीक तक रहता है? 0 to 12 वीक्स तक रहता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर कौन से वीक तक रहता है? 13 से लेके 28 वीक्स तक रहता है। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं ये वाले, स्टूडेंट्स ध्यान में रखो, ये सेकेंड ट्राइमेस्टर। और जो थर्ड ट्राइमेस्टर रहता है वो कब रहता है? वो रहता है 29 से 40 वीक्स तक। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान में रखो। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, जैक्नियर साइन। क्वेश्चन नंबर 9, अष्टांग संग्रह अनुसार किस दंतगत रोग का पर्यायी नाम शीताख्य है? अगेन इंपॉर्टेंट है। अष्टांग संग्रह में हम शालक्य उतना पढ़ते ही नहीं है डिटेल में, लेकिन जो जो वहां के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम अपने एमसीक्यू की सहायता से क्लियर कर रहे हैं। पहला क्या है? ए दंत शर्करा, बी दंत भेद, सी दंत हर्ष एंड डी इज दालन। ठीक है, अब यहाँ पे इसका राइट आंसर लिख के रखो, इट इज ऑप्शन डी लास्ट, दालन। ठीक है, शीताख्य भी कहा गया है इसे, और इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। रेफरेंस आपको मिलेगा अष्टांग संग्रह उत्तर स्थान 25 से अध्याय 25 श्लोक नंबर 15। तो क्वेश्चन 9 का राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दालन। क्वेश्चन नंबर 10, नीचे दिए गए बंध को पहचानिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे AIPGT में इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आना शुरू हुए हैं, तो वो इमेज किसी के भी फॉर्म में आ सकते हैं। या तो वो द्रव्य का इमेज दे देंगे, या फिर आपको एक प्रकार से बंध का इमेज देंगे जैसे यहाँ पर दिया गया है, या फिर आपको यंत्र शस्त्र का इमेज दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको प्रिपेयर रहना है उसके लिए भी। चलो अब यहाँ पर चारों ऑप्शंस देखेंगे हम, किसके बारे में ये कहा गया है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है दैट इज मंडल। मंडल में क्या? संयुक्त मंडल में जो वृत्त अंग रहते हैं, यानी जो गोल अंग रहते हैं, वहां पे मंडल बंध बांधते हैं। तो यहाँ पर है क्या? नहीं, इसलिए मंडल अपना आंसर नहीं है। इसके बाद कोश बंध। कोश बंध यानी जिसको शीट बैंडेज भी कहते हैं हम, उसमें कौन से स्थान बताए गए हैं? उसमें बताया है अंगुष्ठ, अंगुली, पर्व। तो वो है क्या? नहीं। ऑप्शन सी देखो, खटवा। खटवा यानी फोर टेल्ड बैंडेज जिसको कहते हैं, उसमें स्थान कौन से है? हनु, शंख और गंड। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या है? खटवा। ठीक है, हनु, शंख और गंड, ठीक है, तीनों स्थान है यहाँ पर। इमेज अपने पास सेव कर लो, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। चलो गोफना को भी देख लेते हैं, जिसको स्लिंग बैंडेज भी कहते हैं। इसको इसमें कहाँ कहाँ स्थान है? नासा, ओष्ठ, अंश और बस्ती। यहाँ है क्या वो स्थान? नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या है? सी, खटवा। रेफरेंस जिन्हें चाहिए, सुश्रुत सूत्र के 18th अध्याय में सारे बंध दिए गए हैं, वहां से एक बार जाके जरूर पढ़ लीजिए। तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था आज का, इसका राइट आंसर क्या था? खटवा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम अगले 10 क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट क्लास में आपके साथ मिलेंगे। थैंक यू।